सो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहें। तो गाइज़, आज किस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनसे आप फ्री फायर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़े कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एनिमी को सरप्राइज़ कर सकते हो और ये ट्रिक आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी, ठीक है। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं आपको जो भी ट्रिक या बग बताता हूँ वो एकदम से सेफ होती है। क्यों? क्योंकि गाइज़ हमने यूट्यूब की भी सारी गाइडलाइन, रूल, रेगुलेशन सब कुछ पढ़ रखा है एंड उसी के साथ फ्री फायर के भी सारे रूल रेगुलेशन पढ़ रखे हैं कि आपको क्या करने से आपका फ़ायदा और क्या करने से आपका नुकसान है, ठीक है। तो यार, वीडियो को बिना टेंशन के देखा करो। तो बस भाई, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए गाइस, एक छोटे से इंट्रो के बाद मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Light work and the bass on the track, on my feet in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles run around, let the hate in the gaff. Please stop talking the track. सो गाइज, फर्स्ट नंबर ट्रिक को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप इस ट्रिक को ना रैंक में यूज़ मत करना, उससे आपकी रैंक भी माइनस हो सकती है। और आप मेरे को फिर ब्लेम मत करना कि यार तूने हमारी रैंक माइनस करा दी। तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको रैंक में यूज़ मत करना और इसको लिमिट से ज़्यादा यूज़ मत किया करो। बस ये ट्रिक होती है तो आपको इनके बारे में पता चलना चाहिए ताकि आपके फ्रेंड बोले कि यार तुझे इसके बारे में पता है, तो आप भी बोल सको हाँ भाई मुझे इसके बारे में पता है, ठीक है। तो चलिए गाइज, फर्स्ट नंबर ट्रिक को जान लेते हैं। सो गाइज, जो हमारी फर्स्ट नंबर ट्रिक है वो देख लो भाई, एकदम से मज़ेदार ट्रिक है एकदम से भाई। इसको बस आप रैंक में यूज़ मत करना, उससे आपकी रैंक भी माइनस हो सकती है। तो आप देख सकते हो मेरा फ्रेंड वहाँ पे खड़ा हुआ है, समझ लो मैं एनिमी और वो, मतलब वो भी एनिमी है, दोनों एनिमी है हम दोनों। और वो ऊपर देखो कैसे रस करता है बिना किसी ग्रूवॉल के एकदम से। तो अभी आप उसके ऊपर ध्यान देते रहो कैसे कहाँ पर जाता है, ठीक है। तो अभी देखना, वो देखो भाई मेरा फ्रेंड एकदम से ऊपर चला गया। वो कहाँ से गया भाई? सीढ़ियों से तो नहीं आया, वो ऊपर कैसे चला गया भाई? और पीछे से आ गया, वो मुझे मार भी सकता है, मुझे तो वो दिखा ही नहीं है। मैं तो नीचे ही ध्यान देता रहूँगा और वो मुझे मार के चला जाएगा अगर यहाँ पर कोई एनिमी होगा। तो आपको इस ट्रिक को कैसे करना है वो देख लो भाई, एकदम से मज़ेदार ट्रिक है। तो आपको सिंपली भाई नीचे यहाँ पर खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना इंटरनेट करना है बंद, ऊपर से इंटरनेट बंद करना है। इंटरनेट बंद करने के बाद एकदम से ऑन करना है। एकदम से ऑन करोगे, एकदम से आपको ऊपर की तरफ दौड़ना है, एकदम करना है इंटरनेट बंद करके ऑन, और ऊपर की तरफ ही आपको पीछे की तरफ जाना है। तो आप देख सकते हो मैं यहां पर आ गया हूं और मेरे फ्रेंड को मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। अगर आप यहां पर कोई एनिमी बैठा होगा तो आप पीछे से जाके उसको ठोक सकते हो, जैसे मुझे अपना फ्रेंड नहीं दिखा था तो इसे भी मैं नहीं दिखाऊं और एनिमी को भी नहीं दिखूंगा। तो आप आराम से उसको मार सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहां पर देख सकते हो, आप किसी भी घर में रस कर सकते हो। तो मैं यहां पर ऊपर बैठ जाता हूं, एक मिनट रुकना, और मेरा फ्रेंड फिर सेव करके दिखाएगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पर आराम से बैठ गया हूँ और वो देखना अभी कैसे आता है। मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ और वो आगे से कहीं से भी नहीं आएगा। और अभी देखते रहो भाई, कोई भी यार, मतलब नेट नोट कुछ भी नहीं बंद कर रखा, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल आपके सामने है और मेरा फ्रेंड अभी देखना कहाँ पर आने वाला है। अगर एनिमी होगा, आप किसी एनिमी को मारना चाहते हो, आप भी आप यहाँ पर, वो देखो भाई कैसे आया घर में से निकल के, एकदम से हैकिंग टाइप है भाई एकदम से, ठीक है। तो भाई हैक नहीं है वैसे, मैं आपको फ़न के लिए दिखा रहा हूँ और फ़न के लिए ही आप इसको यूज़ करना भाई, कोई भी मतलब ज़्यादा रैंक में यूज़ मत करना। आपकी ही रैंक माइनस होगी, एनिमी की नहीं होगी। आप सोचोगे एनिमी को मैं मार दूंगा, भाई एनिमी भी कोई पागल नहीं है, वो भी आपको पीछे से ठोक देगा। तो आप आराम से इसको रैंक में यूज़ मत करना, क्लासिक में या अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज़ करने के लिए ऐसे इसका यूज़ करना, ठीक है। सो गाइज, जो हमारी सेकंड नंबर ट्रिक है ये उन बंदों के लिए जो बीमा शक्ति के टावर पे फंस चुके हैं, जो बहुत दिनों से बीमा शक्ति के टावर पे चढ़ गए थे, उतर गए थे गलती से, बट वो नीचे नहीं उतर पा रहे हैं कि हम कैसे उतरे, बहुत दिनों से उसके ऊपर फंसे हुए हैं। उन्हीं के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक है। इससे तो आप रैंक भी पुश कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, बट भाई ये फन के लिए है। मैं तो रैंक पुश करने के लिए कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इसको रैंक के लिए यूज़ करो। तो भाई फन के लिए आप देख लो भाई, मैं तो मर गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, अभी देखना गाइस ये नीचे कैसे आता है बिना किसी डैमेज के। अभी देख लो इसकी हेल्थ कितनी है और अभी देखना ये कहाँ पर चला जाएगा। और ये ट्रिक इसी ने बताई है, अबू ज़्यादा इसका नाम है, हमारी गिल्ड का न्यू मेंबर है, इसी ने बताई है। तो देखो भाई ये नीचे आ गया है और इसकी कोई भी हेल्थ नहीं कम हुई है। तो आप इससे नीचे कैसे आ सकते हो, वो भी बिना किसी हेल्थ गवाए, मतलब कोई भी डैमेज गवाए आप नीचे आ सकते हो। तो यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा बंदे आ चुके हैं, सर्वाइवर आ चुके हैं बीमा शक्ति के ऊपर, और इनको मैं मार लेता हूँ। ये फिस्ट फाइटर है भाई, इनको तो मैं नहीं मार पाऊंगा, मैं तो पहली बार लड़ रहा हूँ फिस्ट से।
तो शायद नहीं मार पाऊंगा। पहले खेलता था भाई फाइट फिस्ट, फैक्ट्री पे ही उतरता था, कुछ बंदों ने मुझे आदत पवा दी थी, फैक्ट्री पे ही उतरते थे वो शुरू में। तो एक बंदे को तो यहाँ पर मैंने मार दिया है, और अभी यहाँ पर दो बंदे और हैं, इनको भी देखते हैं मारने की कोशिश करते हैं, मार पाते हैं नहीं। एंड भाई आप इससे नीचे आ सकते हो बिना किसी डैमेज को, आसानी से इससे नीचे आ सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसके ऊपर चढ़ के रैंक पुश करो, भाई एक ट्रिक है भाई ये, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ काम आ जाता है, आप बीमा शक्ति के टावर पे मतलब बैठ जाते हो इतना भाई, जस्ट स्क्वाड में खेलते हो ना, तो आप उनको बोलते हो भाई तुम खेल लो यार मुझे काम आ गया, तो आप यहाँ पर बैठ जाते हो, तो आप यहाँ से भी नीचे आ सकते हो। बाद में आप अगर खेलने आओ तो आप इससे नीचे आके आराम से मतलब बिना किसी डैमेज के नीचे जा सकते हो, और आराम से अपने फिर से गेम चालू कर सकते हो, ठीक है। तो एक और है यहाँ पर नूबड़ी, जो भी है इसको मार लेते हैं, हम इससे बड़े नूबड़े हैं। तो इसको भाग रही है, देखो कैसे स्पीड इसकी मेरे से कम है, तो एकदम से इसकी ज़्यादा हो जाती है स्पीड। ओ भाई मेरा इंटरनेट है, इंटरनेट इशू ऐसे ही चलता है भाई 150 पे। तो यहाँ पर इसको हेडशॉट लगा, अभी देख लो भाई आपको इसको कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक है, तो आपको इसको कैसे करना है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे रैंक पुश करो भाई, एक ट्रिक है तो आपके ये काम भी आ सकती है कभी ना कभी, ठीक है। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर जंप करना है, जंप करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको इंटरनेट एकदम से बंद करके ऑन करना है, ठीक है। एकदम से आपको नीचे जंप कर देना है, नीचे जंप कर देना है, और आप आगे नीचे, अभी देखना गाइस आप आ चुके हो, बस नीचे नीचे आ गए हो। देखो देखो गाइस मेरी कोई भी हेल्थ नहीं कम हुई है, और मैं नीचे आ गया, और आराम से मैंने अपनी गेम स्टार्ट कर दी। अभी मैं बंदों को मारूंगा और मेरी रैंक भी पुश हो जाएगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ भाई आप इसमें रैंक पुश करो, बट एक ट्रिक है, ठीक है। वो मैं सिंपल आपके लिए वैसे बोल रहा हूँ कि रैंक पुश हो जाएगी। कभी कभी आ जाती है ऐसी सिचुएशन कि आपको ऊपर कूदना पड़ जाता है, तो उसके लिए है, या फिर आप अपने एनिमी अपने फ्रेंड को सरप्राइज़ करने के लिए अपने फ्रेंड को बता सकते हो भाई क्या ट्रिक है, तो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं थर्ड नंबर ट्रिक की। सो गाइस जो हमारी थर्ड नंबर ट्रिक है वो तो यार अलग सा व्यू आता है इसको करने से, अगर आप इसको करोगे तो अलग सा व्यू आता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े भी कर सकते हो, एंड भाई अपने फ्रेंड्स एनिमी को सरप्राइज़ भी कर सकते हो। सरप्राइज़ तो क्या कर सकते हो भाई, ये एकदम से मतलब व्यू ही अलग ही आता है आप इसको जब करते हो। तो देख सकते हो गाइस मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ग्रेनेड से ऐसे दौड़ रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भाई, अपने आप ये ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और गाड़ी की तरह चल रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा है, देख लो भाई अलग सा ही लगता है एकदम से, एनिमी देखेगा तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाएगा और देखेगा भाई ये कैसे कर रहा है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट नंबर तो आपको ग्रेनेड हैंड में लेना है, हाथ में लेना है, उसके बाद गाइस आपको जो फायर और स्प्रिंटिंग वाले बटन होते हैं इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। ग्रेनेड पे क्लिक करने के बाद एकदम से दोनों को एक साथ प्रेस करना है, फायर और स्प्रिंटिंग वाले बटन को दोनों को एक साथ करना है, तो आप इस तरह से करने लग जाओगे। मुझे पता है यार कुछ बंदों को इसके बारे में पता होगा, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये ट्रिक, आप इसको कर सकते हो। आपको इनमें से जो भी ट्रिक पसंद आई हो तो यार उसके लिए एक लाइक कर देना, और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ट्रिक के लिए यार एक शेयर बनता है उसके लिए एक शेयर कर देना, और यार जो बंदा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेरे चैनल पे ऐसी ही हमारे चैनल पे ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स या मतलब ऐसी गजब ट्रिक देखने को मिलेगी। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।